नमस्कार दोस्तों, रविकांत टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है दोस्तों कि सिम रिचार्ज करते हैं उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके सवाल पूछे थे, जिसके कुछ सवालों के मैंने वहाँ पर उठाया है और उसको जवाब देने की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है। तो हो सकता है दोस्तों आपके भी ऐसे कुछ सवाल होंगे जिसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जवाब देने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है दोस्तों, मेरा एक साल का जियो प्लान अभी चल रहा है, तो कोई दूसरा प्लान मैं चला सकते हैं? तो इसमें दोस्तों आप दूसरा प्लान जरूर चला सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड वाले प्लान जो कि रहते हैं, जो कि 149 वाला, उसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको नेट यहां पर पैक लेकर के उसको चलाना चाहिए। क्योंकि यहां पर दोस्तों अगर आप 149 वाला लेंगे तो उसमें कॉलिंग का जो आपका जो फ़ायदा है जो अदर के लिए दिया जाता है वो दोनों सेम हो जाएगी और दोनों एक्टिवेट हो गए, तो वो आपके लिए घाटा का सवाल हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप डाटा लें जो कि 249 का अभी आ रहा है नया अपडेट में, तो उसको आएंगे तो बेटर होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप डाटा प्लान को एक्टिवेट कर लें अलग से। अगर आप प्लान जो है दोस्तों वाउचर कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो इसके मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो यहां पर आप माय प्लान पर जाएं, वहां पर दोस्तों आपको वाउचर रिडीम करने का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि वहां वाउचर पर आप जाएंगे तो वहां रिडीम करने का ऑप्शन देगा और माय जियो ऐप्स पर जा करके इसे एक्टिव करना है। और इसके लिए अगर देखना चाहें तो वीडियो मैंने बना कर रखी है, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन मैंने इसकी लिंक दे दी है। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहले से जो रिचार्ज किए हैं और उसके बाद में प्लान चेंज हो जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आप जो पहले से एडवांस रिचार्ज करके रखे हुए हैं वही प्लान आपको मिलेगा दोस्तों। नया प्लान अगर चेंज भी हो जाता है तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वो पुराना प्लान ही आपको वहां पर दिया जाएगा। आपने जो प्लान जब चल रहा था उस टाइम आपने उसको रिचार्ज किया था, कंपनी की यह फर्ज बनता है कि आपको वही प्लान प्रोवाइड कर दिया जाए। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि वही प्लान आपको मिलेगी। जब भी आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो वो प्लान आपको उसी तरह से मिलेगी जो कि पुराना चल रही थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जियो सिम किसी भी दुकान पर रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज नहीं होने के कारण दो हो सकते हैं। पहला दोस्तों आपके मोबाइल में FRP प्लान रिचार्ज नहीं किया होगा, यानी कि जो पहले सिम लेते हैं तो उसमें FRP प्लान होता है, उसको आपने रिचार्ज नहीं किया होगा। या दोस्तों पोस्टपेड वाला सिम हो सकता है तो उसमें भी रिचार्ज नहीं होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आने पर दोस्तों आप अच्छे से पहले देखें, अभी दुकान में रिचार्ज नहीं हो रही है तो इसको आप पहले देखें, उसके बाद में रिचार्ज करवाएँ। नेक्स्ट प्लान पर नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जियो रिचार्ज खत्म होने के बाद एडवांस रिचार्ज है वह एक्टिव हो जाएगा या करना पड़ेगा? तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है, बीच में अगर गैप नहीं करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाती है, आपको एक्टिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले दोस्तों इसको एक्टिव करना पड़ता था और अभी भी करना पड़ेगा। अगर उसमें आप दो हफ्ते या एक महीने का उसमें गैप कर देते हैं, यानी कि आप कोई भी प्लान पर रिचार्ज नहीं करते हैं ना एक्टिवेशन करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको माय जियो ऐप्स पर जाकर जैसे मैंने वीडियो बनाई है उसी तरह से आपको एक्टिवेट करना होगा। अगर आप रिसेंट करना चाहेंगे तो प्लान खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट प्लान पर चलते हैं, जो कि मेरा प्लान वैलिडिटी जनवरी तक है। सर मेरे प्लान की वैलिडिटी जनवरी तक है और दूसरा रिचार्ज हो गया है, रिचार्ज ख़त्म था टॉपअप वाला, लेकिन ऑल इन वन वाला मैंने प्लान रिचार्ज कर लिया है, तो प्लान को जनवरी तक एक्टिवेट कर सकते हैं या वेस्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। आपने रिचार्ज किया है, वो एडवांस रिचार्ज होता है, वो आपकी सुरक्षित रहती है, उसको आप रिचार्ज एक साल का होने के बाद भी अगर उसको एक्टिव करेंगे तो एक्टिव हो जाएगी, आपको पहले से एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग करते क्या हैं कि उस रिचार्ज को जो करते हैं उसको भी माय जियो ऐप्स में जा करके एक्टिव कर देते हैं, इसलिए दोनों प्लान चलने लगती है। तो बिना एक्टिवेट किए तो दो प्लान नहीं एक साथ चलती है, बल्कि आपको एक्टिवेट उसके लिए करना ही पड़ता है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि कोई दूसरा प्लान अपने एडवांस में अगर उसको रिचार्ज करके रखा हुआ है तो उसको कभी भी एक्टिवेट ना करें, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। अगला सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, पंकज कुमार वर्मा, सर मेरे प्लान अभी 28 नवंबर तक था लेकिन मैंने एडवांस में एक रिचार्ज करवा लिया है, दोनों एक साथ एक्टिव हो गया है और वैलिडिटी
एक साथ चल रही है, तो एक प्लान को यूज़ करने के लिए सुरक्षित कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों प्लान आपने दो रिचार्ज कर लिया और दोनों एक्टिवेट हो गई है, तो आप उसको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार एक्टिवेशन होने के बाद में आप उसको डीएक्टिवेट नहीं करने का हमें ऑप्शन देता है, क्योंकि माई जियो ऐप्स में आप कहीं पर भी देखेंगे तो डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन ही नहीं देता है, इसलिए आप उस प्लान को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ये वेस्ट हो गया है भी समझ सकते हैं। अगला चलते हैं, एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों आप एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे माई जियो ऐप्स पर चल जाते हैं और वहाँ पर एक्टिव वाला प्लान का ऑप्शन खोजते हैं, तो पहले से दोस्तों वो एक्टिवेट हो गया होगा रिचार्ज करने पर, तो वो एक्टिव का ऑप्शन आपको नहीं देगा। इसकी वीडियो मैंने बना कर रखी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन पर चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने जियो का 150 वाला प्लान रिचार्ज किया है, लेकिन जो प्लान नहीं था उसे एक्टिव कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लान है ही नहीं उस चीज़ को आप एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जियो का तो ये प्लान है नहीं 150 वाला, आपने नेट के द्वारा या किसी के द्वारा उस प्लान को एक्टिवेट कर दिए होंगे, तो वहाँ पर उस प्लान को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको अगर गलत रिचार्ज हो गया होगा तो रिफ़ंड भी मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मिलेगा ही, लेकिन प्लान को अच्छी तरह से आप देखें तभी रिचार्ज करें। अब दोस्तों अगला जो सवाल है, एक बार डबल रिचार्ज हो तो 3 महीने बाद एक्टिवेट हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर दोस्तों आप ज़रूर एक्टिवेट हो जाएगा, पहला प्लान ख़त्म होते ही दूसरा प्लान तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा, बीच में अगर आप किसी तरह का गैप नहीं करते हैं तो वो प्लान एक्टिवेट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे सवालों में से आपका भी अगर जवाब होगा तो आपको मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल होगा जिसको मैंने कमेंट में इसमें नहीं बताया होगा तो आप कमेंट पर जा कर के पूछ सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप देखें सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपका दिन शुभ हो।